हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय मैं हूँ, ये जो रोड है वीआईपी रोड पे हूँ मैं। और ये बेसिकली आप आगे देख सकते हो, वो है कोयखाली का जो लास्ट जो वहाँ पर है पॉइंट है वाइडक का। और ये जो रोड जाता है सीधा एयरपोर्ट जाता है, ये चला जाता है एयरपोर्ट गेट नंबर 1 और राइट लेके एयरपोर्ट हो जाता है। तो गाइस, इस समय यहाँ पे जो आप काम जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा काम देख रहे हो, वो जो ये जो रूट है बेसिकली ये है ऑरेंज लाइन का एयरपोर्ट टू न्यू करिया लाइन। और वहाँ से सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, तो वो जो आप देख रहे हो उधर में वायडक्ट, वो ऐसे डाउन आएगा। और यहाँ से डाउन आते हुए यहाँ पर एक स्लोप बन रहा है, इस स्लोप से होते हुए वहाँ आगे से अंडरग्राउंड हो जाएगा। और वो अंडरग्राउंड होगा, फिर नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए मेट्रो आगे चली जाएगी एयरपोर्ट। सो यहाँ पर गाइस, एक सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल था, एक बहुत बड़ा एक बोर्ड था, डिस्प्ले बोर्ड टाइप का था एक, जो आपका यहाँ से ले के टोटल उस पार तक था। सो उस बोर्ड को इन्होंने वो बोर्ड अब हट गया है, क्योंकि उस बोर्ड के कारण ये जो रोड थी, ये पहले हाफ रोड थी, इसको आगे यहाँ तक वो किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। सो बेसिकली इसलिए किया गया कि जो रोड का उस साइड का जो आप पोर्शन आप देखो जहाँ पे काम कर रहा है हो रहा है, तो वो वाला पोर्शन को अभी इन्होंने ब्लॉक करके इस रोड को आगे डाइवर्ट किया है। सो उस बोर्ड के कारण ये जो यहाँ तक जो अभी जो इनको पूरा रोड मिल गया है, वो नहीं मिल पा रहा था। अब वो बोर्ड हट चुका है, इसके कारण इनको आई गेस अब ऑलमोस्ट पूरा वहां से जहां से हमारा आप देख सकते हो वो जो मेन आगे में है, जो वो बस जा रही है, उस बस के जो राइट वाला साइड का जो है एरिया है, वहां से लेके टोटल इनको अब आगे मिल सकता है डाइवर्जन। अभी भी पूरा मिला नहीं है, अभी जो इनको मिला है वो यहाँ से मिला है, ये सामने से टैक्सी के जस्ट स्ट्रेट। तो अभी आगे का भी मेरे ख्याल से अब हो जाना मिलना चाहिए ब्लॉक, क्योंकि अब ये रोड इनको मिल गई है, पूरी मिल गई है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि इनको अब अच्छा खासा एक पूरा मिल गया है, स्ट्रेच मिल गया है। और अभी सुबह के बजे हैं 6 एंड आप देख सकते हो अभी भी काम हो रहा है यहाँ पे भी। ये मशीन्स लगी हुई हैं, ये क्रेन है, तो सब लोग अभी भी काम हो रहा है, मींस नाइट में भी यहाँ पे काम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट्स लगे हुए हैं सामने, इधर में भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, तो हर जगह इन्होंने अंदर में लाइट लगा रखा है। तो आई गेस यहाँ पे रात में भी काम हुआ है, मतलब नाइट में भी काम हो रहा है और डे में तो हो ही रहा है। सो काफ़ी फास्ट पेस पे है ये वाला स्ट्रेच एयरपोर्ट टू न्यू करिया वाला, ये जो खासकर जो एरिया है, ये जो स्ट्रेच है, क्योंकि यहाँ पर एक बार मेन इशू था वही उस बोर्ड का। अभी मैं आपको वो बोर्ड भी दिखाऊंगा, वो बोर्ड यहीं पीछे में अभी रखा हुआ है। सो वो बोर्ड हट गया है, सो अब इनको काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि अब इनको पूरी मिल गई है, रोड मिल गई है। एंड यहाँ पर छोटे छोटे पिलर्स इस एरिया में बनेंगे, पिलर्स बनेंगे, उसी को बनाने के लिए अभी डिगिंग हो रही है। पिलर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो वहाँ पे जो आपका आप देख सकते हो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो वो जो पिलर्स आप देख रहे हो जो स्लोप हो रहा है, वो फिर नीचे से आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड जो इन्होंने डिसमेंटल किया है, क्योंकि उस बोर्ड के पीछे मैं भी पड़ा हुआ था बहुत। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में आप देखो, तो मैंने उस बोर्ड के ऊपर भी एक बनाया है वीडियो, क्योंकि वो जो था
पीडब्ल्यू डी के अंडर था ये। एक मेरे ख्याल से नया बोर्ड लगा है यहाँ, दमदम बारासात पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हो ये सब अभी काम हो रहा है इधर में भी। जो गाइस जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा था वो ये रहा, वो इन्होंने उठाकर यहाँ पर तोड़ के रख दिया है। ये बोर्ड पहले यहाँ पे था पूरा, सो देख के अच्छा लगा कि चलो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है बेसिकली RVNL के लिए। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये लॉन्च कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये अंदर तक जाएगा। ये कुछ होल करने के लिए हो रहा है। सो गाइस ये जो आप मशीन देख रहे हो ये है ब्रॉर कंपनी की GB34। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रैब बोलते हैं। और ये बेसिकली जो अंडरग्राउंड मैंने बताया था ना, यहाँ पर अंडरग्राउंड होगा, तो अंडरग्राउंड जो आपका टनल होता है उसका जो डायफ्राम वॉल होता है उसको बनाने के लिए इसका हेल्प होता है। इसका एग्जैक्ट जो किस तरह काम करता है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं अभी एक सोच रहा हूँ कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके ऊपर मैं एक बनाऊँ वीडियो। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये ब्रॉ GB34 है, ब्रॉ GB50, ब्रॉ GB75, ऐसे करके 3-4 सीरीज में आता है ये। और सेम तो ये भी, ये तो क्रेन है, आप देख सकते हो, हाई एक्सल क्रेन कहते हैं इसे। और वहाँ पर भी एक बड़ी सी मशीन है, ये बेसिकली अर्थ एक्सकेवेटर्स को शायद कहते हैं। तो सब एक एक अपने सब अपने साथ सारे काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो इसका ये एक बीम आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। अब ये मेरे ख्याल से अच्छा, ये आप देखो, ये इन्होंने नीचे से खोद कर नीचे की मिट्टी है उसको निकाला है। तो ये बेसिकली एक एक्सकेवेटर है। जिसको जमीन के अंदर ये जाता है, ये आप देखो ये ऐसे उठा रहा है, फिर ये गया, अब ये वापस जाएगा अंदर। अब यहाँ पे जूम इन करता हूँ, आप देखना भी है अनलोड शायद ये करेगा, अभी तक तो उसने अनलोड किया नहीं है। अब मेरे ख्याल से ये बंद हो गया है, नहीं वापस जा रहा है ये घूम गया, ये तो पूरा एकदम अच्छा, इसको नीचे तक ला रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये गाइस। सो गाइस मेरी अभी एक ऑफिशियल से बात हुई है, वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, तो ये बताया कि ये बेसिकली ये 30-50 meters नीचे जाता है और ये पहले नीचे जाके मिट्टी को बाहर निकालता है खोद के, ठीक है। उसके बाद जब मिट्टी पूरी बाहर निकल जाती है फिर ये लोग यहाँ पर एक बनाएंगे, डी वॉल बनाएंगे जिसको कहते हैं डायफ्राम वॉल। वो डी वॉल कैसे बनता है, ये जब ये पूरा नीचे खोद देता है तो एक बॉक्स शेप में जाली, उन्होंने बताया मेल एंड फीमेल कनेक्टर्स होता है,
तो वो बॉक्स शेप में एक जाली को ये लोग डालते हैं नीचे, उससे डी वॉल बनता है टनल का। जब डी वॉल पूरा, अभी ये डी वॉल जो बन रहा है वो एयरपोर्ट से लेके ये जो आप सामने जो आप देख रहे हो ये मशीन बड़ी वाली, ये ग्रीन वाली, यहाँ तक डी वॉल होगा, पूरा अंडरग्राउंड होगा। और यहाँ से फिर मैं बता दूँ, यहाँ से आगे वो जो डाउनवर्ड है जो स्लोप, वहाँ पे एक रैंप बनेगा ये। सो अभी बारिश के कारण क्या रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये जो बोर्ड हट गया है, आपको वो बोर्ड का मैं दिखा दूँ, ये पिलर है, ये वाला बोर्ड का पिलर है। तो ये जो बोर्ड हट गया, ऐसे थोड़ा सा इन्हें मिल गया अच्छा खासा ब्लॉक। तो इन्होंने बोला कि ये वाला जो डायफ्राम वॉल वाला है, ये वाला काम ऑलमोस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो रैंप वाला है, इसके लिए अभी परमिशन मिला नहीं है, क्योंकि आगे से मैं आपको दिखा दूं, आगे से क्या है ना कि ये देखिए कुछ उस साइड, मतलब यूटर्न, गाड़ियां यूटर्न लेती हैं आगे। अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो ये गाड़ियाँ हैं, ये यूटर्न यहाँ से लेके जाती हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट या 600 रोड। तो इसका जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, सो गाइस, इसका जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, तब तक वो जो रैम का काम है वो चालू नहीं होगा। सो ये था अपडेट यहाँ तक का अभी तक। आई होप आपको अपडेट पसंद आया होगा। वो देखिए वाला जो था मशीन, ये वाली बॉर, ये देखिए ये जा रहा है, अंदर जा रहा है। सो गाइज, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिन्होंने अब तक नहीं किया है। एंड मेरा गाइज एक और चैनल है जिसका नाम है मेट्रो बीस्ट, जो अलग थोड़ा चैनल है रिलेटेड टू ट्रैवल है वो, तो उसको भी आप कर लीजिए सब्सक्राइब। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।